पाकिस्तान 7,96,096 मुरबा किलोमीटर पर फैली हुई सहराओं, दरियाओं और कोहिस्तानों की सरजमी, अमन पसंद मोहब्बत करने वालों का मस्कन। गुज़श्ता एक दिहाई से इसके बासी दुनिया में अमन की खातिर एक ऐसी जंग का हिस्सा है जिसमें यहाँ पे बसने वालों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो मुसल्ला अफवाज हों या आम शहरी, सभी इस जंग का हिस्सा है। इस एक दिहाई में पाकिस्तान को मुआशी और जानी दोनों तरह से शदीद नुकसान उठाना पड़ा, मगर फिर भी हमारी मुसल्ला अफवाज खित्ते में अमन के लिए कोशा है। इस 10 साल की जंग में पाकिस्तान ने तकरीबन 3500 से ज़्यादा जो है जवानों की कुर्बानी दी है जो कि शहीद हुए। तकरीबन 11,000 लोग ऐसे हैं जो कि सीरियसली इंजर्ड हुए इस जंग के दौरान। इसके अलावा जो है तकरीबन 68 बिलियन डॉलर्स का जो है वो इकोनॉमिक लॉस पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान की कैजुअल्टी का, जो कि हमने अभी तक प्राइस पेड, द प्राइस विच वी हैव पेड टिल नाउ एज कम्पेयर टू यू एस एंड नेटो, दैट इज़ मच मोर देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड। एंड कम्बाइनिंग 343 नेशंस, दे हैव कैजुअल्टी ऑफ ऑलमोस्ट 2900 पीपल इन अफगानिस्तान एज फार एज द मिलिट्री कैजुअल्टी इज़ कंसर्न। और इस प्रोसेस के दौरान हमने तकरीबन जो दहशतगर्द मारे या पकड़े वो तकरीबन 22,150 दहशतगर्द हैं जिनको या तो पकड़ा गया या फिर मारा गया। उसमें कुछ मिलिटियर लीडरशिप भी शामिल है और सम ऑफ देम आर अमंग द टॉप लीडर्स ऑफ द अलकायदा एंड ऑल दैट। ये आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड मेडिकेशन है। यहाँ पर बहुत से ऐसे सिक्योरिटी अहलकार जेरे इलाज हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में शदीद जख्मी हुए। देखिए, जब भी कोई इंजर्ड सोल्जर हमारे पास आते हैं या ऑफिसर या कोई भी ऐसा शख्स, ये बड़ी सीरियस इंजरीज होती हैं। अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हरा मगज डैमेज हो जाए तो उस लेवल से नीचे वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनके मसाने पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, अपने ज़िंदगी के मामलात खुद नहीं वो कर पाते। किसी की हाथ या पैर कट जाते हैं, एम्पुटेशन हो जाती है, किसी की नस या नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने हाथ या पैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी को सर में गोली लग जाती है जिसकी वजह से उनके तमाम ब्रेन के फंक्शंस डैमेज हो जाते हैं। इनकी रिहैबिलिटेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। AFIRM एक ऐसा अदारा है जिसके अंदर अंडर वन रूफ एक ही छत तले तकरीबन तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो इन मरीजों की रिहैबिलिटेशन के लिए ज़रूरी हैं। साइकोलॉजी, स्पीच, ऑक्यूपेशनल फिजिकल थेरेपी से लेकर रिहैबिलिटेशन फिजिशंस तक, इनके साथ हम बहुत ही इंटीमेटली काम करते हैं बिकॉज इसमें आपको इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और हम इनकी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, हम इनको बुलवाते हैं, यहाँ पर रहते हैं ताकि वो देखें कि हम किस तरह काम करें, क्योंकि जब भी अपने घर जाते हैं तो उनके साथ काम कर सकें। दूसरी बात है, जितने सोल्जर्स हैं ये 99% ऑप्ट करते हैं टू स्टे इन द सर्विस एंड फाइट फॉर द कंट्री अगेन इवन विद दैट डिसेबिलिटी, और हम इस चीज़ को इनकरेज भी करते हैं। माजूरी के बावजूद इनके हौसले आज भी बुलंद हैं और वो मुल्क और कौम के दुश्मनों से लड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। इंशाल्लाह ताला मैं रिहैबिलिटेट होकर जाऊंगा तो मेरा दोबारा भी मिशन यही है, मेरा प्लान यही है कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूँगा और इसी तरह और इससे बढ़कर। अभी तो मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो इससे ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो मैं कहता हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा करना मैं सर अंजाम दूँगा अपने मुल्क के लिए। इंशाल्लाह इट्स ट्रू दैट आई एम डिसेबल बट माई करेज, माई स्पिरिट इज़ लाइव। मेरा जज्बा, मेरा जोश उसी तरह ज़िंदा है। इंशाल्लाह इसी माजूर टांग के साथ मैं इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हूँ। पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि इस सुल्तनत खुदादात के ख़िलाफ़ उठने वाली हर बद नज़र आंख को बाहर निकाल पेंगे और अक्वामे आलम पर ये साबित कर दें कि हम दहशतगर्द नहीं। हम दहशतगर्दी का शिकार ज़रूर हैं लेकिन इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ना हम जानते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक फौज के बहुत से अहलकारों ने जान का नजराना पेश किया। ये कैप्टन जुनेद का घर है। वालिदैन के इस अकलौते लख्ते जिगर ने सवात ऑपरेशन में जामे शहादत नोश फरमाया। बेटे की अजीम कुर्बानी पर यकीनन इन अजीम वालिदैन को फख्र है, मगर उसकी जुदाई का गम एक ऐसा कोहे गरा है जो इनसे उठाया नहीं जाता। मेरा बेटा तो बहुत बचपन से ही बहुत बहादुर था और मुझे कुछ कुछ फील होता था कि ये आर्मी में जाएगा, लेकिन ये कि मैं चाहती नहीं थी क्योंकि इकलौता मेरा बेटा, 3 बेटियों के बाद वो पैदा हुआ। बहरहाल वो उसका शौक़ था, उसको शौक, उसके शौक़ को देखते हुए
तो हमने उसे आर्मी में जाने की इजाज़त दे दी। मैं हर फौजी अफसर से जो मेरे बेटे की तरह हैं सब, उनके लिए एक ही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला इनको गाजी बना के वापस लौटे। शहादत पे फ़ख्र तो होता है, फ़ख्र है कि उसने अपने मुल्क के लिए जान दी। बहरहाल एक ही इकलौते बच्चे का आप सोच सकती हैं कि किस कदर दुख होगा। एक भाई जिसका भाई शहीद हुआ था, वो भी आईबी में है, वो मुझे मिला अपनी माँ के साथ। तो उसकी माँ ने कहा कि बड़ा अफसोस है, तो उसने कहा कि तुम रोता है देखो, तुम मत रो, तुम्हारा बेटा हम है। इनका तो एक ही बेटा था। लेफ्टिनेंट फैज़ सुल्तान शहीद, कौम का एक और दिलेर बेटा, जिसकी शहादत उसकी बहन के लिए बायस फ़ख्र है। मेरे भाई मेरे अब्बू की यूनिट में थे 4FF में, और वो मोहम्मद एजेंसी में शेरदिल ऑपरेशन हुआ था, उसमें मेरे भाई ने वॉलंटियर किया था। और दो पहाड़ थे, जरेसर और सुरकमर। तो एक पहाड़ भाई ने फतह कर लिया था, और सेकंड फतह करके जब झंडा लहरा दिया, और फिर उसके बाद मेरे भाई की शहादत हुई थी। तो हर सोल्जर को जब कोई तकलीफ पहुंचती है ना, तो हमारे घर में वही सिचुएशन होती है जैसे हमारे अपने चीफी के साथ ये हो रहा है। हर भाई में हमें अपना भाई नज़र आ रहा होता है। उन सब के लिए भी हमेशा सूरतुल फतह पढ़ के एक ही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह उनको फतह दे। भाइयों के सर झुके हुए बहनें नहीं देख सकती, वो ये नहीं देख सकती कि वो जिंदा तो रहें पर नाकामी के साथ, वो यही देखना चाहती हैं कि उनके भाई हमेशा सुरखरू के घर लौटे। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान को शदीद माशी नुकसान उठाना पड़ा। इस सिलसिले में हमने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के शोबाए पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के सरबराह डॉक्टर नुमान सत्तार से बात की। उनका कहना है कि इसमें IDPs बेतहाशा हैं, और अभी किसी रिसेंटली कोई रिपोर्ट में कहा है कि 500,000 जो हैं उनको भी असिस्टेंस चाहिए है, और वो अभी भी एटलीस्ट पख्तूनख्वा में एक बड़ा इशू है उनकी रिहेबिलिटेशन का। जो ये कॉस्ट है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो बिलियंस है, ऑलमोस्ट अराउंड $70 billion। मैं ये समझता हूँ कि कॉस्ट जो है ये नहीं कि हमें पे करनी है, ये हमें अगले आई वुड से एक डिकेट चलेगी इसकी, जब तक कि आप उन सब लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे। वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री ने सफ़र किया है, वहाँ के कल्चर ने सफ़र किया है, और ये कॉस्ट हमें आइंदा 10 साल में पे करनी है। लेकिन अगर हमें उससे बचना है तो हमें उसके लिए अभी से प्लान करना है कि हम कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन हालात से नबर्द आजमा होने के बावजूद इस मुल्क के ये बेटे पुरअज़्म हैं, और उनके हौसले मजीद बुलंद। वो अंदरूनी और बैरूनी हर किस्म के दुश्मन से लड़ने की ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं, बल्कि वतन अजीज की हुरमत और बका की खातिर जान तक देने की हिम्मत रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक मरकजी किरदार अदा करेगी इस मुल्क को जोड़ने में, इस मुल्क का दफा करने में। कोई आज मीडिया में बात नहीं करता, आप नोट कीजिए कि TTP ने कितने लोग कत्ल किए हैं, BLA कितने लोग कत्ल कर रही है, अकबर बुगटी का क्या किरदार था पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने में। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर जो उस खार में शहीद हुए उनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अकबर बुगटी शहीद हो चुका, और वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर जो शहीद हुए उनका कोई जिक्र नहीं जिनको अकबर बुगटी ने कत्ल किया। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ तबाही बरपा हो रही है मशरक़ वुस्ता से अलग नहीं है, लेकिन इस बात के भी इत्मीनान रखिए कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की पूरी तारीख में एक हैरत अंगेज मुल्क है, एक हैरत अंगेज वतन है। इस पर पाक सरजमीन है, ये किश्वर हसीन, इस पर साया खुदाए जुलजलाल है। इसको ये 11 साल से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह के फल से हम आज भी तमाम तकलीफों के बावजूद मुस्तहकम और मजबूत है। सिर्फ ये यकीन रखिए कि पाकिस्तान पर कभी शक ना करें, कभी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पर, इसके इस्लामी कैरेक्टर पर, इसके उस मकाम पर, उस रोल पर जो अल्लाह ने इसके लिए लिख दिया है, शक ना करें। यकीन पैदा कर गाफिल कि मगलूब गुमातू है। जब यकीन पैदा होता है कौमों में, फिर उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। जब तक इस वतन की माएं ऐसे मुहब्बे वतन बेटों को जन्म देती रहेंगी, किसी की हिम्मत नहीं कि इस पाक सरजमीन किश्वर हसीन की तरफ मैली आंख से देख सके। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, यहाँ वो फूल खिले जो खिला रहे बरसों, यहाँ खजां को गुजरने की भी मजाल ना हो। ये धरती मेरी माँ है, मेरी माँ है, जो जुदा मुझको दामन से करती नहीं, अपनी आगोश में है छुपाए मुझे, अपने दामन में मुझको समोए हो। मेरी माँ की कहानी अजब है बहुत, इसकी खातिर कितनी हिमाएं लुटी, कितनी बहनों के भाई सताए गए, कितने अरमा लहू में
नहाए गए, कितने बेटे मरे, कितने आंसू बहे, कितने ही सर तन से उड़ाए गए। इसकी आजादी मुझ पे कर्ज है, माओ बहनों की आहों पुकार कर्ज है, उनकी बेटी के सर की रिदा कर्ज है, कर्ज है मुझ पे ख्वाब अब भी इकबाल का, मुझ पे कायद की उमंग आरज़ू कर्ज है, इस पे तन मन लुटाना मेरा फर्ज है, इस पे तन मन लुटाना मेरा फर्ज है।